हेलो जी, सत श्री अकाल ते अस्सलाम वालेकुम जी। किवें साडे सोहणे सोहणे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तुहानू वेलकम खुश आमदीद स्वागत कहने आ प्रीत बानी रिएक्ट्स ते। अज असीं जानी भाजी नूं थोड़ा जिहा आराम दे के जिन्हां दी वीडियो बनाउण लगे हाँ उह साडे फेवरेट, तुहाडे फेवरेट और मैनूं लगदा पूरे पाकिस्तान दे बहुत ज़्यादा फेवरेट और ऑल ओवर द ग्लोब भाजी नूं देखदे आ। ते वीडियो हैगी है सबर की नहमत, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सबर, इनफॉर्मेटिव वीडियो क्लिप बाय इंजीनियर मोहम्मद अली साहब। बहुत सोहनी वीडियोज़ बनाते हैं, विद लॉजिक गल करते हैं, साइंस की गल्ला करते हैं, सानू बहुत ज़्यादा पसंद है। रेकमेंडेशन सी कि वीडियो बनावांगे, इकट्ठे देखांगे, दूजे बार गल्ला करते हैं। तो कर दी स्टार्ट, बिल्कुल जी, आ जाओ जी। शुक्र की यहाँ बात आई कि तुम मेरा शुक्र करो ना शुक्री ना करो। क्या बात है, सूरह निसा में आगे चल के आएगा कि मेरा शुक्र करो, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बन जाओगे। अल्लाह ताला फरमाता है और जो मेरा शुक्रगुजार बनेगा मैं उसे मजीद दूंगा। शुक्र की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने कोई अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ लेनी है, वो सवाब अपनी जगह है। शुक्र की डेफिनेशन ये है कि प्रैक्टिकली शुक्र नजर आना चाहिए। बिल्कुल, आपको अगर कोई शख्स नेमत देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो वो ये ख्वाहिश करता है कि मैंने जो इसको गिफ्ट दिया इसको यूज करें। बिल्कुल, मुझे कई लोग बाल पॉइंट देके जाते हैं जी लिखना है जी इतना जी, ना लिखो कहते, वो तो कहते बेकदरी की है। हाँ जी, सही। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी है ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट है अपने बंदों से कि वो उन नेमतों को उन कामों में खपाए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। क्या बात है, और उन नेमतों को उन चीजों से बचाए जिससे अल्लाह ने मना किया है। इन्हीं आंखें दी हैं तो अल्लाह की ये ख्वाहिश है अपने बंदे से कि आंखें हराम की तरफ ना उठे। जब आपने हराम से आंखों को बचा लिया, आपने आंखों का शुक्र अदा कर दिया। क्या बात है, वेरी ट्रू। जुबान को हराम से बचा लिया, जुबान का शुक्र अदा कर दिया। दिल को बचा लिया, दिल का शुक्र अदा कर दिया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि आंखें भी जना करती हैं, हाथ भी जना करते हैं, पांव भी जना करते हैं, दिल भी जना करता है, शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है। दिल में जानबूझ के बुरा ख्याल है, ये तो आ गया, झटक दिया, छोड़ दिया, जानबूझ के ना। पेट का शुक्र यह है कि पेट में हराम माल ना जाए। अच्छी गल। पांव का शुक्र यह है कि पांव हराम काम की तरफ ना उठे। हाथ का शुक्र यह है कि हाथ हराम काम की तरफ ना पड़े, ना किसी पे जुल्म के लिए, ना कमाई करने के लिए। तो ये सार है। तो अब अंदाजा लगाएं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है ना तो शुक्र करना। शुक्र करना है। ओए ओए, लोग क्या कहते हैं जनाब, पहले खूब अल्लाह का गिला शिकवा करते हैं, अपना पूरा गुस्सा निकालते हैं माज़ अल्लाह, एंड तक कहते हैं चलो जी जो दी मर्जी, अल्लाह का शुक्र है जी। तो जो अपनी रूह राजी करनी होती है वो कर लेते हैं और फिर उसको नाम सबर का दे रहे होते हैं। हालांकि बुखारी में हदीस है कि सबर तो सदमे के आगाज के ऊपर है, जब आपने उस वक्त नहीं किया तो फिर तो बात खत्म हो गई। लेकिन सबर का जिक्र शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगली आयत भी सुन लें, वो इसी से रिलेटेड है जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद तलब किया करो सबर के जरिए और नमाज के जरिए। किसकी किसकी मदद? अल्लाह की। ज़ाहिर है शेख अब्दुल कादर जिलानी की मदद तो नहीं तलब करनी, मौला अली की मदद तो नहीं तलब करनी इससे, अल्लाह की। क्योंकि साथ ही आ गया इन अल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। यानी जो सबर करने वाले हैं उनके साथ अल्लाह हो जाएगा, जब वो सबर के जरिए अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह उनकी मदद फरमा देगा। सिंपल चीज है, सबर के अंदर पूरी जिंदगी है। बल्कि नमाज भी सबर ही है जनाब। फजर की नमाज गर्मियों में उठ के पढ़ना सबर नहीं है? बिल्कुल है। जब नींद ही नहीं पूरी होती? बिल्कुल है। सर्दियों में नमाज के लिए वुजू करना क्या सबर नहीं है? सब कुछ। सबर की तीन इकसाम है मेनली। एक सबर है अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए तकलीफों पे सबर करना, वो तो हम सबको पता है, और वो सबर होगा इब्तदाई सदमे में। उसकी आगे आयात भी आ जाएंगे, उसके लिए आपने कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम खुद भी तो अल्लाह की तरफ से आए थे, हमने लौट के अल्लाह की तरफ जाना है। ये तकलीफ भी आई अल्टीमेटली चली जाएगी। और सही मुस्लिम में आगे एक और दुआ का हिस्सा है, अल्लाहुम्मा जुर्नी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, जो ये दुआ पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसे बेहतर नेमुल बदल अता फरमाएगा उस छूट जाने वाली चीज के। उसका मतलब यही है, अल्लाहुम्मा जुर्नी फी मुसीबती, ऐ अल्लाह इस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, वह अखलिफ ली खैरम मिनहा, इससे बेहतर मेरे लिए खलीफा मुकर्रर कर दे, बेहतर नेमुल बदल। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, उम्मे सलमा कहती हैं जब मेरा खावंद अबू सलमा फौत हुआ तो मैं बड़ी दुखी थी, तो मैंने हुजूर से ये दुआ सुनी हुई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ये YouTube पे मेरा एक क्लिप भी अपलोडेड है, गम की खबर को खुशी में बदलने की दुआ, तो उसमें मैंने इसको डिस्प्ले भी करवाया नीचे. ओके. तो कहती है मैंने ये दुआ पढ़ ली और मैं फिर परेशान थी कि अबू सलमा से बेहतर तो नबी इस्लाम के सहाबा में कोई और सहाबी नहीं है, तो मुझे अल्लाह ताला इसका बेहतर नेमुल बदल क्या देगा. तो कहते हैं जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हुई तो नबी इस्लाम मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तुम्हें अपने अगर में लेना चाहती हूँ. तो कहती है मुझे, मैंने कहा मुझे वाकई नेमुल बदल मिल गया. और उम्मुल मोमिनीन बनी है, 64 हिजरी में फौत हुई है, वाकया करबला के भी 3 साल बाद फौत हुई है. नबी इस्लाम की वफात के बाद ये 53 साल जिंदा रही हैं. इतनी लंबी उम्र किसी और उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने नहीं पाई. सबसे आखिर में हुजूर की जो बीवी फौत हुई है उम्मे सलमा है. और अहले बैत की शान में और करबला से रिलेटेड जितनी अहादीस है ना, वो ऑलमोस्ट उम्मे सलमा ने रवायत की हुई है. नबी इस्लाम की ये बड़ी लाडली तरीन बीवियों में से उम्मे सलमा सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु तआला अन्हा. तो उन्होंने ये दुआ पढ़ ली थी, तो वो उसका कुछ हिस्सा आगे आ भी जाएगा. अल्लाह ताला नेक बंदों की निशानी बताएगा कि वो जब भी उन पे कोई तकलीफ आती है तो वो यही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. तो पहला सब्र है तकलीफों पे, दूसरा सब्र है जो अल्लाह ने आप पे पाबंदियां लगा दी हैं फराइज की. नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, ये ज़ाहिर आपको इसके लिए जुनबी हो तो गुसल उतारना है, इसके लिए आपको तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता, प्रोटोकॉल देना पड़ता. तो ये भी है. और तीसरा सब्र है हराम चीजों से बचने पे, आंखों की हिफाजत करना, इसको हराम से बचाना, इसके लिए सब्र करना पड़ता. बिल्कुल. हराम कमा के रातों रात अमीर हो जाना तो आसान काम है, लेकिन हलाल कमा के रूखी सूखी खा के गुजारा करना सब्र, और अल्लाह से डरना कि मैंने हराम का लुकमा अपने पेट में नहीं जाने देना, इसके लिए आपको सब्र करना. बिल्कुल. तो ये 3 सब्र है. नंबर 1 अल्लाह की तरफ से आई हुई तकलीफ पे सब्र, नंबर 2 अल्लाह ने जो आप पे फराइज रिस्ट्रिक्शंस रख दिए हैं, फर्जों को मिनवान उसी तरीके से पूरा करने में जो तकलीफें उठानी है उस पे सब्र, चाहे वो गर्मियों के रोजे हों और सर्दियों के वजू हों और गर्मियों की फजर की नमाज हो. और तीसरा अल्लाह तबारक व ताला ने जो हराम से बचने के लिए आपको एम्फसाइज किया पूरे शरीर और अट्रैक्शन भी रख दी उस हराम पे, तो सब्र करना पड़ेगा ना. कितनी बड़ी गल है. मुस्लिम शरीफ में हदीस है अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया है और जहन्नम को दोजख को खुशगवार चीजों से ढांपा हुआ है. बिल्कुल सही गल. हर खुशगवार चीज दोजख की तरफ ले जाती है. बिल्कुल सही गल. नागवार चीज जन्नत की तरफ ले जाती है. अब वो नागवार की हर्डल्स जो अबूर करेगा ना तो जन्नत तक पहुंचेगा. ये है वो चीज. इस पे हर घंटों बोला जा सकता है. मेरा एक लेक्चर जरूर सुने, मैंने इन सारी चीजों को उसमें ब्रीफ किया है. मसला 120 सूरतुल फुरकान से अल्लाह के सही औलिया की 12 खसूसियात क्या हैं वो मैंने बयान किए. उसमें मैंने काफ़ी सारी हदीसें बयान की थी. आज मान ली कि मैं उनकी तरफ जाऊं, इन आयात को कवर कर लेते हैं. वला नब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूअ, और हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें थोड़े से खौफ से, थोड़ी सी भूख से. व नक्सिम मिनल अमवाल, और तुम्हारे माल में नुकसान के जरिए. वल अनफुसी व थमरात, और तुम्हारी जानों में नुकसान के जरिए, और तुम्हारे फलों में जो तुम्हारे पास एसेट्स हैं या तुम्हारी खेती है कोई भी चीज़. वबशिर साबिरीन, और फिर आजमाया जाएगा, बशारत होगी जो सब्र कर लेंगे. यानी अल्लाह ने ये कन्फर्म कर दिया है कि आजमाए बगैर मैंने को नहीं छोड़ना. बिल्कुल. अब ये एक आयत इस बात की मुतकाजी है कि मैं एक घंटा सिर्फ इस आयत के ऊपर बोलूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को जरूर आजमाना है. बहरहाल चूंकि मैंने ये पिछले दिनों जो कोरोना से रिलेटेड भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है उसमें मैंने इस आयत को कवर किया, और इसके कॉन्टेक्स्ट में सूरह अल हदीद की आयत नंबर 22 और 23 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमीन व आसमान में कोई मुसीबत हम नाजिल करें या तुम्हारी जानों में, तो हमने उससे पहले ही रोए महफूज में उसे लिख लिया है ताकि जो तुम्हें तकलीफ पहुंचे तुम उसके ऊपर गम ना करो, और जो तुम्हें अल्लाह की तरफ से अच्छाई मिले उसके ऊपर शेखी ना बिगाड़ो. अल्लाह को शेखी बिगाड़ने वाले पसंद नहीं है. तो ये हमारा टेस्ट है. सूरत अल-अंबिया में आया कि हम अच्छे और बुरे हालात के जरिए तुम्हें आजमाते रहेंगे.
लेकिन हमारे लिए यह है कि सब्र करना है। वो मुबशिर सबीन बिशारत है सब्र वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग ऐसे हैं कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनका ये एटीट्यूड होता है कि यार हम भी तो अल्लाह की तरफ से आए थे, हमने भी मर के अल्लाह के पास जाना है, हमने खुद ही मर जाना है, तो ये जो तकलीफ हमारे पास आई थी ज्यादा ज्यादा हमें मौत ही दे सकती है ना, तकलीफ भी अल्लाह के पास चली जाएगी, तो हमने भी तो एक ना एक दिन अल्लाह के पास चले ही जाना है। कितनी जबरदस्त दुआ है कि मौत हर चीज का एंड कर दे। वो जब जादूगरों को फिरौन ने कहा ना मैं तुम्हें सूली लटका दूंगा, मुखालिफ सिम के हाथ पांव कटवा दूंगा, तो कुरान में आता है उन्होंने कहा था कि तू जो कुछ करेगा इस दुनिया की जिंदगी में कर सकता है ना, आखिरत जाके तो नहीं बर्बाद से कर सकता ना, हमारी ज्यादा मार देगा ना, तो मरना तुमने वैसे भी है, क्या तेरी बात मान ले तो फिर नहीं मरेंगे, मरना तो है ही, मरना तो है ही। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कह रहा है ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला भी दुरूद भेजता है, अल्लाह की रहमतें हैं ऐसे लोगों पे, व रहमा और रहमत, व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो असल में सीधे रास्ते के ऊपर हैं, हदायत के ऊपर हैं। कौन से लोग? जिनका ये एटीट्यूड है कि कोई तकलीफ जान माल में पहुंचे वो कहें जो अल्लाह की। इस एतबार से एक हदीस है, अब ये मसला तकदीर से रिलेटेड है, मसला तकदीर खुद इतना बड़ा टॉपिक है कि मैंने कुरान हकीम से 50 मकामात से 200 आयात क्रॉस रेफरेंस के तौर पे 4 लेक्चर्स में कवर किए हैं। मसला 103, 104 ABC मसला तकदीर के ऊपर, ये आयात भी उसमें कवर की थी, तमाम इस तरह की जो क्रिटिकल आयात हैं वो कवर की हैं। फिर बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहदीस हैं तकदीर के ऊपर, और उसमें एक हदीस सबको कंक्लूड करती है, और इमाम मुस्लिम इतने समझदार हैं कि जो किताबुल कदर चैप्टर है ना, तकदीर डेस्टनी वाला चैप्टर, उसकी आखिरी हदीस उन्होंने वही ली है, क्योंकि हदीसें वो ऐसी हैं कि इंसान बाज़कत कन्फ्यूज हो जाता है। तो मैंने तकदीर के लेक्चर जो दिए उसमें वो सारी हदीसें जिससे लोग कदरिया की तरफ चले जाते थे या जबरिया की तरफ, मैंने दोनों का रद करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताया। वो मुस्लिम शरीफ की हदीस बड़ी ज़बरदस्त है। उस हदीस में अल्फाज हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ये वसीयत की थी, ऐ अबू हुरैरा अपने लिए जो नफ़ामंद चीज़ है उसके लिए खूब कोशिश करो, नंबर वन। नंबर टू फिर वस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से भी मदद मांगनी है, खाली कोशिशों में नहीं बैठ जाना, जो मौला अली का कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना है, कि मैंने सब कुछ फिट रखा था लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी, कुछ और ही रिजल्ट निकला है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अपने लिए नफामंद चीज के लिए पूरी कोशिश करना, वस्ताइन बिल्लाह, फिर अल्लाह से मदद मांगना, फिर साथ फरमाया काहली ना करना, सुस्ती ना करना। ये नहीं है कि पेपरों की तैयारी की कोई नहीं है और खाली तस्वीरें पढ़ी और एंड फेल हो गया, जो अल्लाह की मर्जी, नहीं काहली ना करना, सुस्ती ना करना, उसके बावजूद अगर रिजल्ट तेरे खिलाफ आ जाए, तुझे नुकसान हो जाए, फिर ये ना कहना कि अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, अगर मैं ये कर लेता तो यूं हो जाता, बहुत अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है, तो अगर मगर से बचना है एंड पे, पहले पूरी कोशिश करनी है। एक काम किया ये अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना कि मसलन अगर कोई पाकिस्तान ने कोई मुहिम लॉन्च की है और उसमें नाकामी हो गई है तो अब वो उसके ऊपर कोई मीटिंग, जिसने F-16 गिरा है तो आप मीटिंग ही ना कॉल करें, वो करेंगे मुस्तकबिल में बचने के लिए, वो अलग चीज है, इस पे आप सब्र करेंगे, मुस्तकबिल की तो स्ट्रेटजी बनानी है। जो बुखारी मुस्लिम हदीस है, मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता, तो दूसरी बार इसलिए नहीं डसा जाता कि वो एनालाइज करता है यार मेरे पहले भी काम पे है, हूं दोबारा ना पै जाए, सही गल है, वो एक अलग चीज है, उसको इससे मिक्स नहीं करनी। जो नुकसान हुआ उस पर कहना है जो अल्लाह की मर्जी, क्योंकि सूरतुल हदीद क्या है नंबर 22 और 23 है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में चीज लिखी है जो तुम्हें पहुंचने वाली है जी, तुम्हारी जान में हो या पूरी इंसानियत के लिए, वो तुम्हें तकलीफ आनी है। तुम्हारा एटीट्यूड ये है कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, तुमने कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात है, क्या बात है, वीडियो हो गई है मुकम्मल। उन्होंने 13 मिनट की वीडियो सी, 14 मिनट की वीडियो सी, पूरी एक लाइफ का निचोड़ कट के सामने रखता, जिदा असं क्या
इन्नी इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ होंदिया ने। दो आई थिंक उन्होंने मेन मेन टॉपिक दिते है कि टॉपिक नहीं सॉरी दो मेन मेन एग्जाम्पल, जिदा एक अल्लाह है यूनिवर्सल टीचर उ तो सिचुएशन च पाएगा, तुम उस का सबर करना है, तो रेगुलर टेस्ट भी होंगे रहेगा, सबर भी करना है, तो जी मुश्किल आनगियाँ तुम्हें पार भी करनिया ने, लाइफ के तरक्की करनी है, तुम आलस नहीं करना, मेहनत भी करनिया ने। इन्ने अच्छे तरीके उन्होंने एक जड़े साढ़े पेरेंट्स साढ़े वालदेन सू गल समझाते हैं ना, वो उन्होंने आई थिंक उन्होंने भी इस चीज़ की नॉलेज होंगी है, बट वो एक लेमेन लैंग्वेज सू समझाते हैं कि भाई ये करो है ना, इस तरीके समझाते हैं। बट जिहड़े इंजीनियर मुहम्मद अली साहब ने ए इस तरीके समझाते हैं कि प्रॉपर एक अल्लाह का रेफरेंस लैके तो वह की उन्हों की नियमत ने की वो सानू टीचिंग देंगे ने की साड़ी ब्लैसिंग्स है ने, वो सारा कुछ एक पूरा निचोड़ कट के वो एक बंदे नू गल उही दस दे कि तुसी केड़े पाथ ते तुरना है ना, कि तुसी गलत काम नहीं करने, गलत देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, हत्थां नाल नहीं, पैरां नाल नहीं, ये सब समझाते हैं। बट उन्होंने कितना एक अच्छे तरीके नाल दस्या है कि हर चीज़ का एक सबर है, हर चीज़ का सबर है, हर चीज़ का सबर करना पएगा, जे हर चीज़ का सबर कर लिया तो तुसी आप ही एक नेक इंसान बन जाओगे, तुहानू एक एक्सट्रा एफर्ट करन दी लोड़ नहीं पएगी। एक है ना कि पाथ तुसी चूज़ कर लिया ए वाला, तो इत्थे जे तुसी तुरन लग गए तो मैं नहीं लगता कि तुहानू कोई लाइफ दे विच एक्सट्रा एफर्ट करना पएगा अपने आप नू बंदा बनाने वास्ते। जे एक मतलब एक मेरे वर्गा कोई इंसान जे अल्लाह दी रावल जाना चाहता है, सिर्फ ये थोड़ी जी इन्हां दी जिहड़ी गल्लां ने फॉलो कर लो तो वो चलता 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 उन्हों कुछ टाइम बाद पता ये लगेगा कि हाँ भी मैं एक इन्ना नेक इंसान बन गया, तो मैं अल्लाह के राह पे ऑलरेडी तुर पिया। तो बहुत मतलब अच्छे एग्जाम्पल्स दे के लाइफ के सच दस देंगे, लाइफ की निचोड़ दस देंगे, तो बंदे हुण मेहनत वाला भी स्कूल बच्चों का सारा उन्होंने एक मतलब तरीके नाल वड्डे तो लैके छोटे तक सब नूं दसता कि तुहाडा की लाइफ का एटीट्यूड होना चाहिए, तुहाडा की एटीट्यूड होना चाहिए, जिद्दां दी मर्जी होवे शुक्र हमेशा होना चाहिए, शुक्र हमेशा होना चाहिए, जिनी भी छोटी जिनी भी वड्डी मुश्किल होवे आंदी जांदियां रहनगियां, शुक्र करदे रहो ते अग्गे वधदे रहो। बहुत मज़ा आया, मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते रहने तो ये नाल साडे अंदर भी इदां दी चीज़ां जा रही ने कि सानू भी सोच के अपने आप को इंप्रूव करन दा मौका मिलता, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हादसे तो अलावा ये गल्लां भी होनी चाहिए कि असीं भी बंदे बनीए। बोलो बोलते नहीं हो बोलते नहीं ने बोल रहे हो ना तो तुसी कंप्लीट कर लो। मेरे वास्ते मैं यही कहांगी कि एक्चुअली सब कुछ इन्होंने कवर कर लिया वीडियो दे, मतलब आफ्टर वीडियो रिएक्शन दे विच इन्होंने सब कुछ ही कहता, तो आई थिंक इस पूरी वीडियो दा मैं ये भी कहांगी कि असी ये वीडियो बह के देख रहे हैं, तुसी ये वीडियो बह के देख रहे हो, ये तुहाडा सबर है, सबर चाहिए है सानू देखने लई, सानू सबर चाहिए इन्हों देखने लई, तो उन्होंने सबर मिल रहा है और वो शुक्र भी कर रहे क्योंकि वो जब अपन गल्ला कर रहे थे तो मैं इदा लग रहा है कि वो आप अपने आप दे विच एक सैल्फ एग्जाम्पल ने, क्योंकि वो शुक्र भी कर रहे ने कि अल्लाह ने उन्होंने चंगी राह ते तोरिया, तो सबर इस गल का कि उन्होंने अपने अंदर वो सबर रख के जी अल्लाह की टीचिंग है या जी रब की टीचिंग है वो साढ़े आम लोगों के फैलाण की जो है उन्होंने जो बल बख्शे है, एंड आई थिंक बहुत कमेंडेबल गल है कि कोई उत्थे बह के अपना जो है कूल काम और कंपोज रह के तुहाडी जी टीचिंग्स हैगी टीचिंग्स नूं अगे इंपार्ट करना, क्योंकि अजकल चीज़ा बहुत चेंज हो गई ने, लाइफ बहुत चेंज हो गई है सारे दी, सारे अपने हिसाब किताब नाल चलते, और जिदा उन्होंने एग्जाम्पल दिता है ना कि जो असी सुख वेले शुकराना करना भूल जाने तो दुख वेले रब नू याद करते हैं, तो इदा नहीं होना चाहिए, सानू 24/7 जो है उठते जागते सानू एक एक सांह जड़ा मिलता है, सानू रब का शुक्र मनाना चाहिए, शुक्र जो मनाना है वो एक स्माइलिंग फेस नाल मनाना है, कि जिदा उन्होंने कहा ना कि शुक्र शुक्र मतलब ठीक है शुक्र है रब, बट नहीं ऐदा शुक्र नहीं, जिदा असी ये गल्लां देखते रहने वीडियोज़ दे विच के जो भी शुक्र करना है वो फिर तुहाडे शुक्र सिर्फ मुँह ते नहीं होना चाहिए, वो दिलों शुक्र होना चाहिए कि तुम मुँह ते कहता कि हाँ भाई शुक्र, बट अंदरों तुम उही सोच रहे हाँ मैं ये कर दिंदा ये कर दिंदा तो ये कर दिंदा ये कर दिंदा तो ये हो जाता, उही चीज़ें जो दिल दे विच है मुँह दे उत्ते शुक्र है वो नहीं, आई थिंक अंदर जो होएगा दिल का शुक्र जो करांगे तो उही मुँह ते आएगा तो उही कन्ना तक पहुंचेगा, एंड आई थिंक सब तो अच्छी गल जड़ी उन्होंने कही कि आई थिंक मुस्लिम कम्यूनिटी पर्टिकुलरली दे विच हराम जड़ी चीज होंदी है उनू बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, तवज्जो दिती जाती है, तवज्जो दिती जाती है, इंपोर्टेंस दिती जाती है, क्योंकि ए ओ चीज है जिदे
ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਈਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੇਕਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।